यूजर्स के लिहाज से दूसरा सबसे बड़ा बाजार रहे भारत में दोबारा आने के लिए टिकटॉक बेकरार है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी ByteDance इसके भारतीय कारोबार को बेचने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ByteDance शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक का भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बेच सकती है। इस संबंध में दोनों कंपनियों के बीच जुलाई के आखिर में बातचीत शुरू हुई थी। हालांकि दोनों कंपनियां अभी किसी भी सौदे पर नहीं पहुंची हैं। इस पर रिलायंस, ByteDance और टिकटॉक ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। लद्दाख के गलवान घाटी में सीमा विवाद के बाद भारत सरकार ने चीन की कंपनियों के 59 ऐप पर बैन लगा दिया था। इसमें टिकटॉक, वीचैट, अलीबाबा ग्रुप का यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज जैसे पॉपुलर ऐप शामिल हैं। इसके बाद सरकार ने पिछले महीने जुलाई में भी चीन के 47 ऐप पर बैन लगाया था। इसमें अधिकांश पहले बैन किए गए ऐप के क्लोन थे। इस प्रकार भारत सरकार अब तक चीन के 160 ऐप पर बैन लगा चुकी है। टिकटॉक के भारतीय कारोबार की वैल्यू $3 बिलियन के करीब आंकी गई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह अमेरिका ने भी चीनी ऐप टिकटॉक पर बैन को मंजूरी दी थी। इस संबंध में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक प्रस्ताव पर साइन कर चुके हैं। हालांकि अमेरिका ने ByteDance को टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है। यदि ByteDance 15 सितंबर तक कोई सौदा नहीं कर पाती है तो टिकटॉक पर लगाया गया बैन लागू हो जाएगा। टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीदने के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट सामने आई थी। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इसकी जानकारी दे दी थी। ट्रंप ने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर का समर्थन किया है। अभी टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार को बेचने को लेकर माइक्रोसॉफ्ट और ByteDance में कोई अंतिम सौदा नहीं हो पाया है। इस बीच पिछले सप्ताह यह खबर आई थी कि टिकटॉक का अमेरिकी कारोबार खरीदने के लिए ट्विटर भी ByteDance से बातचीत कर रही है। टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार की वैल्यू $30 बिलियन के करीब आंकी गई है। 2019 में ByteDance ने भारत में 43.7 करोड़ रुपए का कारोबार किया। कंपनी को 3.4 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। अमेरिका से कंपनी को 650 करोड़ का रेवेन्यू मिला था। वहीं चीन से कंपनी को 2500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। कारोबारी रेवेन्यू के हिसाब से भारत ByteDance के टॉप 10 देशों में शामिल नहीं है। ऐप्स बिजनेस कारोबार पर नज़र रखने वाली सेंसर टावर के मुताबिक टिकटॉक के यूज़र बेस में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। 29 अप्रैल के डेटा के अनुसार दुनिया भर में टिकटॉक 200 करोड़ बार डाउनलोड किया गया। दुनिया भर में टिकटॉक के 80 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।